मध्य प्रदेश के देवास जिले की सबसे बड़ी बोल बम कावड़ यात्रा चापड़ा नगर पहुंची, जहां पर नगर वासियों ने कावड़ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कावड़ यात्रा का देवास जिले के अंतिम छोर पर स्थित नर्मदा के तट धाराजी से प्रारंभ होकर उज्जैन बाबा महाकाल का अभिषेक के साथ समापन होता है। कावड़ यात्रा लगातार 23 वर्षों से निकाली जा रही है। कावड़ यात्रा में 1100 कावड़ यात्री शामिल हुए। कावड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक मुक्त, हर गांव में स्वच्छता और क्षेत्र में खुशहाली हो, इन सब बातों को लेकर यात्रा निकाली जाती है। बोल बम कावड़ यात्रा का बागली और चापड़ा में अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। कावड़ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था इकलेरा निवासी बद्रीलाल पाटीदार की ओर से की गई। बागली सरी पाटीदार की रिपोर्ट। निकल रही जिले की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा कहलाती है, तो क्या उद्देश्य और क्या कितना का सफर रहता है, कितना दिनों को इसमें? कावड़ यात्रा का उद्देश्य है, एक तो पर्यावरण की सुरक्षा हो, पर्यावरण की हम रक्षा करें, क्योंकि आजकल पानी कम गिर रहा है, अगर पर्यावरण की रक्षा होगी तो ही बरसात अच्छी होगी। दूसरा हमारा ये कि प्लास्टिक मुक्त हो, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वह गाँव तक पहुँचे और उस हर गांव में स्वच्छता रहे, ताकि कोई बीमार न हो और हमारा प्रदेश हमेशा सुंदर रहे। कितनी क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।